सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। मैं इंडिया ऑन अ वेटनेस जर्नी से सुनील कुमार यादव आप लोगों को समुद्र के दर्शन सुबह सुबह समुद्र के दर्शन कराने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैंगलोर इस जगह का नाम है और यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो चुकी है कि पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि समुद्र इस जो गीली वाली पट्टी है यहाँ तक था, अब वो खिसक के धीरे 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 अंदर की तरफ जाने लगा है और इसमें पानी कहीं ना कहीं कम हुआ है और बारिश के दिनों में हालांकि थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये अभी गर्मियों में इतना कम हो गया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। शायद ये ग्लोबल वार्मिंग का ही कहीं ना कहीं इशू लगता है। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ तक है और समुद्र काफ़ी काफ़ी अंदर तक जा चुका है। ये मान के चलें कि 100 मीटर अंदर जा चुका है और अब लहरें जो हैं समुद्र की वो कहीं ना कहीं उथली हुई हैं, जबकि ये शांत समुद्र है अरब सागर का। ये देखिए मछुआरों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि जो लहरों का उछाल है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी तक थोड़ी बहुत चेतावनी भी दी गई है कि जैसे तूफान आने से पहले कुछ शांति होती है, तो समुद्र इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नाव भी अभी अपने देखिए दूर एक बीच है जहाँ पे अभी नावें खड़ी हैं, और अगर आप मैंगलोर आएँ तो ज़रूर सूरतकल एक जगह है जहाँ पे सूरतकल उडुपी जहाँ पे आपको बहुत सारी ये समुद्र के जो बीच हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर हैं। यहाँ पार्क वगैरह भी बड़े अच्छे हैं। तो गोवा और मुंबई से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ़ पानी आपको मिलेगा और आप नहा सकते हैं। बिल्कुल प्योर वाटर जैसे गंगा की तरह होता है उस तरह का पानी है यहाँ पर, बिल्कुल साफ़ नीला। और यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये दूर एक गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, इस तरह के गेस्ट हाउस हैं समुद्र बीच को व्यू करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और बाकी लोग जो हैं समुद्र के दर्शन या वहाँ पे वो प्रॉपर्टी लेके और अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप लोग भी यहाँ पे महीने दो महीने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी छुट्टियाँ वगैरह जो हैं वो बिता सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पे गेस्ट हाउस, पूरी फैमिली आए तो 10-15 हज़ार के अंदर आपको पूरे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। आज के लिए और नारियल के पेड़ काफ़ी हैं यहाँ पे, आपको नारियल पानी मिलेगा पीने के लिए, बहुत ही सस्ते रेट में है जो कि गुड़गांव वगैरह के अंदर मिलता है, ये 40 रुपए के आसपास। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25 रुपए से लेके 35 रुपए तक नेचुरल अच्छा और ताज़ा पानी, नारियल पानी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अगर आप हमारे इसी वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।